नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का वेब बुलेटिन और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे सीतापुर की चार बड़ी खबरों की। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का सीतापुर में दौरा होने की सूचना आई है। दरअसल चार दिन के बरेली प्रवास के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सीतापुर के नैमिषारण्य में ललिता देवी के दर्शन के लिए 20 फरवरी को पहुंच रहे हैं। इन सूचनाओं के बाद प्रशासन ने उनके आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख सीतापुर में आरएसएस के विभाग कार्यवाह कृष्ण कुमार प्रजापति के रोटी गोदाम स्थित आवास पर भी कुछ देर के लिए जाएंगे, ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि 20 फरवरी को मोहन भागवत जब बरेली से लौटेंगे तो सबसे पहले नैमिषारण्य में ललिता देवी के मंदिर पहुंचकर वहां पर दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद विभाग कार्यवाह कृष्ण कुमार प्रजापत के आवास पर जाएंगे। इस बीच ये बताया जा रहा है कि अवध प्रांत के आरएसएस के पदाधिकारी ही उनसे मिल सकेंगे। भाजपा का कोई भी जनप्रतिनिधि फिलहाल अभी तक उनसे मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं आया है। ये बताया जा रहा है कि अवध प्रांत के 50 पदाधिकारी संघ के प्रमुख से मुलाकात करेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर दरअसल प्रसिद्ध 84 कोसीय मिश्रिक की परिक्रमा से जुड़ी हुई है। ये जो परिक्रमा है वो 11 पड़ावों के लिए 15 दिन तक चलती है और 21 फरवरी से ये परिक्रमा शुरू होगी। इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद इस बार व्यवस्थाएं की हैं। आज जिला अधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान नैमिषारण्य पहुंचे और पुलिस फोर्स का ब्रीफिंग किए। पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि इस बार जल पुलिस के साथ ही ड्रोन से भी नज़र रखी जाएगी, परिक्रमार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेंगे। दूसरी तरफ जिलाधिकारी अनुज सिंह ने इस बार परिक्रमार्थियों के लिए पेयजल से लेकर बिजली और शौचालय और इसके अलावा अस्थाई टेंट की भी पड़ावों पर व्यवस्था की है, जिसको लेकर कई दिन पहले से ही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाने लगा था। चूँकि नैमिषारण्य विकास परिषद का गठन होने के बाद पहली बार जो ये परिक्रमा होने जा रही है, इसमें इस बार परिक्रमार्थियों की विशेष सुविधा का ख्याल प्रशासन रखने की तैयारी में है। अब हम बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय 50 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल सीतापुर में पहुंचा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कई देशों समेत उन जो प्रतिनिधिमंडल है वो सीतापुर में डालमिया ग्रुप के चीनी मिल यानी रामगढ़ में वो पहुंचा और वहां पर अधिकारियों ने उन्हें गन्ने की खेती का अवलोकन कराया। इस प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों में गन्ने के उत्पादन को लेकर आकलन किया कि उनके देश में गन्ने का उत्पादन कैसे होता है और भारत में गन्ने के उत्पादन को लेकर भी उन्होंने जानकारी जुटाई। अब हम बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। चौथी बड़ी खबर दरअसल सीतापुर में हुई एक वारदात से जुड़ी हुई है। यह वारदात अटरिया थाना इलाके में हुई है। कस्बा अटरिया में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के घर पर बदमाशों ने धावा बोला और उनके घर में रखी नकदी समेत जेवरातों को लूट ले गए। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य को बंधक भी बदमाशों ने बनाया और 20 लाख रुपए की नकदी और जेवरात को लूटे जाने की सूचना आ रही है। इस घटना की सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह भी पहुंचे वहां पर और इसके अलावा भी पुलिस की अन्य टीमों ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। फिलहाल थाने से कुछ ही दूरी पर हुई इस वारदात से कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।